अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बात है पंडित जी, ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ये विवाह नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे पंडित जी आप? वैद्य तो बहुत ही सरल और अच्छी लड़की है और मेरे माधव का कितना ख्याल रखती है। उचित है नीलांबरी जी, जो आप कहती हैं बिल्कुल उचित है, लेकिन विवाह के लिए दो लोगों के ग्रह और गुण का मिलना भी जरूरी है। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे पंडित जी आप? हमेशा आप यही कहते हैं कि ये कुंडली माधव के लायक नहीं, वो कुंडली माधव के लायक नहीं। एक मिनट रुकिए, श्वेता जा अपनी कुंडली लेकर आओ। पर माँ, अचानक मेरी कुंडली क्यों? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। माँ ये आप क्या कर रही हैं? माधव थोड़ी देर रुक जा। नीला माँ, पंडित जी ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाइए और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। दोनों कुंडली एक दूसरे की पूरक है। ये कुंडली बिल्कुल वैसी है जैसी अपनी चित्रा बिटिया की थी। छत्तीस के 36 गुण मिल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि श्वेता माधव के लिए उचित है? बिल्कुल सही सुना आपने, इनका विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाना चाहिए। लेकिन इस कन्या को जिसकी ये कुंडली है, इसे इस शुभ घड़ी से दूर रखिए। इसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए माधव पर। क्षमा कीजिए पंडित जी, ये सुनकर वो दुखी हो गई है। हम समझ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ग्रह कभी नहीं मिल सकते। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी। वैदेही, वैदेही दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोल, नहीं बाहर आके बात तो कर। वैदेही बेटा। अरे वैदेही, इतनी सी बात के लिए कोई गलत कदम मत उठा लेना। फांसी का फंदा या आग वाग मत लगा लेना तुम। वैदेही दरवाजा खोल। वैदेही, वैदेही, वैदेही बहुत हो गया। बचपन आप अच्छा ही लग रहा है। पंडितों की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है।
बंद करिए पागलपन और दरवाजा खोल। वैदेही दरवाजा खोल, दरवाजा खोल पहले। मां मैं बात करता हूं वैदेही से। ठीक है, इस वक्त वैदेही को माधव की जरूरत है, हमें चलना चाहिए। ये तू क्या कर रही थी, पागल हो गई है क्या? तुझसे शादी करने के लिए मैं किसी भी मुसीबत को पार कर सकती हूँ, लेकिन ग्रहों से कैसे लड़ूं? अरे ऐसे आंसू भाएगी तो किसी से लड़ नहीं पाएगी, पहले रोना बंद कर। तू नहीं समझेगा, लेकिन तू सही कह रहा, रोने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये आंसू नहीं रुक रहे हैं। अरे सबसे पहले रोना बंद कर, और तू रोती हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक काम कर, अभी ना आराम कर, सो जा, कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? देख अगर तू चुप नहीं हुई ना, मैं पूरी रात यहीं बैठा रहूंगा। नहीं नहीं, तू जा, जाके आराम कर, मेरी वजह से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल आजा, आराम कर, इधर आ। अब तू आराम कर, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। पक्का जाऊं ना? हाँ पक्का। तू फिर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी? नहीं करूंगी। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। नहीं, शिव जी को मेरी ग्रह दशा बदलनी होगी। पता नहीं क्या करेगी ये, प्रभु रक्षा करना। भाई ये ठीक है, एक गलत कुंडली पढ़ने की इतनी दक्षिणा, साल भर बिना किसी पूजा हवन के निकल जाएगा इसमें तो। हाँ ये सही है। जय हो नीलांबरी देवी की, जय हो, जय हो। देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग हम पर विश्वास करते हैं, उनकी सच्ची निष्ठा हमसे जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, और उनकी श्रद्धा के साथ मजाक करना ये तो अपराध है। तो तुम क्या चाहते हो, पूरी जिंदगी भिक्षुओं की तरह जिए? पूरी दुनिया स्मार्ट बनी बैठी है, फोन स्मार्ट, टीवी स्मार्ट, तो हमें भी अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चलो चलो बांट लेते हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। नीला माँ की जय, नीला माँ की जय। आसू कमाल कर दिया आपकी एक्टिंग ने तो। अरे आपको कोई ऑस्कर नहीं, आपको तो रोटरी क्लब अवार्ड मिलना चाहिए। अरे क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस किया आपने, मजा आ गया। सच्ची मम्मी मैं तो टेंशन के मारे है ना, अपने होंठ चबाते चबाते अपने लिपस्टिक ही साफ कर गई। क्या कमाल करते हो मम्मी, मतलब आप तो, अगर आपकी तरह थोड़ी सी भी आधी भी बुद्धि मेरे अंदर होती ना मम्मी, आपके सर की कसम मैं तो कांड पे कांड कर देती। बस करो बस करो, चने के झाड़ पे चढ़ाना बस करो, ये तो मेरी फितरत है ना बेटा। आइए बैठिए ना सासू माँ, टिन टिन सासू माँ, बैठिए सासू माँ। सासू माँ चने का झाड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, एक बार श्वेता जी की शादी हो जाए और ये सारी जायदाद मेरी हो जाए।
मतलब आपकी हो जाए। हाँ, फिर चने के झाड़ में नहीं, सीधा जहाज में घूमेंगे, पार्टी करेंगे, डिचिक डिचिक, है ना बेबी? बिल्कुल, आज तो सेलिब्रेट होना चाहिए। श्वेता जी, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? अपनी बहन को भी पूछ ले से क्या पसंद है। काजू कतली। हाँ, ले आऊंगा। तो ठीक है, 2 मिनट में गर्मा गर्म गुलाब जामुन ले आता हूँ। क्यों? अच्छा सुनो, मेरे लिए ना शुगर फ्री वाले गुलाब जामुन लाना। क्या है कि गुलाब जामुन के चक्कर में मैं अपना फिगर तो नहीं बिगाड़ सकती ना। After all, माधव से शादी जो करनी है, हाँ श्योर। रुको रुको भाई, खोल के गिनो जल्दी से, कितने सारे नोट है, भर भर के नोट दिए, गिनने में टाइम लगेगा। पंडित जी, मैं तो अभी भी कहता हूँ अधिक देर नहीं हुई है। देखो, उनका घर नजदीक है, चलकर उनको सब कुछ सच सच बता देते। बस करो, अब इतना ही पुण्य कमाने को मन कर रहा है तो जाओ, अकेले गुजारा करो जाकर, समझे? और जितनी कमाई हमने की है ना, इसके साथ हमको रहने दो। हाँ। और लौट कर मत आना हमारे पास जब रहने को छत भी ना मिले। हाँ। हाँ। निकालो निकालो, सारे नोट निकालो। ये चमगादड़ कहाँ से आ गया? पंडित जी, नोट का गायब हो गए सारे। रुपए तो तुम्हारे पास थे? हाँ? तुम्हारे पास है ना? नहीं पता, अचानक गायब हो गए पंडित जी। अच्छा। हाँ? मुझे मूर्ख समझता है। मुझे माफ करना, अब मेरा हाथ कैसे उठ गया मुझे पता नहीं, अब मुझे मारना नहीं चाहिए था। अरे खड़े खड़े क्या मार रहे हो? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें बचाना। यही से क्या हुआ? मैं क्यों बचाऊं? ये तुम्हारे कुकर्मों का फल है। बोला था ना मत करो जोल जाल, अब जाओ मरो साथ। पंडित होकर झूठ बोलते रहो, सबकी निष्ठा और श्रद्धा से खेलते रहो। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा लो, हमने बहुत गलत काम किया, गलत कुंडली पड़ी, उनसे पैसे लिए। तो अब तुम दोनों को पता चल गया क्या करना है? नहीं। अब आ गया, लेकिन ये मार पिटाई बंद करो। तो जाओ, जाकर अपनी गलती सुधारो, और वो कुंडली वाला झूठ जब तक नहीं बताओगे, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये सब क्या हुआ? ये तो बिल्कुल विपरीत है। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ये विवाह नहीं हो सकता। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। माधवपुर मेरे लिए ये करना ही होगा। ठीक है? नहीं माधव, मुझे तुझसे दूर नहीं होना। तुझसे दूर होने के ख्याल से ही मैं डर जाती हूँ। खींच के दूंगा। तेरी इन बेवकूफियों की वजह से अगर तुझे कुछ हो जाता तो देख वैदे, तू ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तुझे खोने के बारे में ना सोच भी नहीं सकता। तुझे बुरा लगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है लगा। सॉरी। पागल कहीं की। चल। नीलांबरी जी। क्या हुआ पंडित जी? नीलांबरी जी, हमने गलत कुंडली पढ़ ली थी। दरअसल दोनों कन्याओं की कुंडली मिलती है माधव की कुंडली के साथ। लेकिन 3 माह का दोष है। तीन माह पहले इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे पहले शादी हुई तो टिकेगी नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कुंडली देख के आप लोगों ने पहले कुछ और कहा और अब कुछ और कह रहे। आपकी बातें सुन के ये लड़की ग्रहों से लड़ने चली थी। बाल बाल बची है। हमें आप लोगों की कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। जाइए।
तूने सुना पंडित जी ने क्या कहा? ऐसे पंडितों पे ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या करने चली थी। पर माधव, मैंने भी तो कहा था ना कि अगर मैं शिव जी की स्तुति करूंगी तो वो मुझे तुझसे दूर नहीं होने देंगे। और देख, उन्होंने सुन भी ली। पहले हमारी कुंडलियां नहीं मिल रही थी, पर अब मिल रही हैं। ये सब शिव जी की ही महिमा है। तू भी ना।